आज हम बताएंगे कि रतालू की सब्जी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए मैंने आधा किलो रतालू लिया है। इसे पहले हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और फिर चाकू से बीच से कट करके इसके एक भाग को हम अलग कर देंगे और फिर दूसरे भाग को इस तरह से छोटे छोटे गोल पीसेस में कट कर लेंगे। अब गैस पर कुकर रखकर उसमें ये कटे हुए रतालू डाल देंगे और फिर उसमें आधा गिलास पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और फिर हाई फ्लेम पर सीटी लगाकर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब कुकर का ढक्कन खोलकर इसे हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे और अब चाकू से हम इनका छिलका इस तरह से हटा लेंगे। फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से रतालू काटने से हाथों में खुजली नहीं होती है। अब इसकी हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पर रखकर इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और ये मैंने 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ली है। थोड़े से मटर के दाने लिए हैं, इन्हें डालकर इन दोनों को पहले हम आधा पका लेते हैं। फिर इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए प्याज अध पका हो गया है, अब इसमें आधी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर अच्छा गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालकर सॉफ्ट होने तक इन्हें हम पकाएंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची और कलर के लिए आधी चम्मच देगी मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ी सी हींग डालकर इन सभी मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब इसमें उबला हुआ रतालू डालकर इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और चलाएंगे। आपको सब्जी जितनी पतली और गाढ़ी रखना है उस हिसाब से इसमें पानी डालें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिलाकर सब्जी को 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे। ये देखिए सब्जी उबलने लगी है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे और सबसे लास्ट में बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी रतालू की सब्जी तैयार है।